नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और फसून की जमानत खारिज कर दी थी और एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। कोई पाए ना देख आशीष मिश्रा ने डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा दौरे पर रहने वाले हैं, जहां डिप्टी सीएम सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 10:45 पर डिप्टी सीएम संचार विहार गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गोसाईगंज पहुंचे, जहां उन्होंने अमेठी में महिला दारोगा के संदिग्ध मौत के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल सरकारी आवास में संदिग्ध हालत में महिला दारोगा की मौत हो गई थी। पिता ने दारोगा रश्मि यादव की हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। अमरोहा में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक प्रेस वार्ता कैंप कार्यालय केलसा रोड पर संपन्न हुई, जिसमें निवर्तमान जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने कहा कि दिनांक 14 अप्रैल 2022 सुभाषपा की पूर्व जिलाध्यक्ष महिला मंच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी लिखित शिकायत थाना प्रभारी सैदन गली को पीड़ित महिला द्वारा दी गई थी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। सिर्फ एक व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी लोगों के नाम दर्ज नहीं किए गए। 14 तारीख को मेरे साथ रेप हुआ था। हम दोनों बहने दवाई लेने जा रहे थे, तो चौधरी ने हमारा रास्ता रोक कर गई, हमारे साथ रेप किया। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए। रात को वो 11:30 बजे हमारे घर घुस गया और क्या नाम है उसके पीछे का अथन और वो क्या नाम है पकड़ने का, उसने बताया कि मुझे अथन ने नौसाद ने भेजा है। जब गांव वालों ने पीटने से रुकिया गया तो बिठा लिया, तो उसको बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद ही जाएगा यहाँ से। जब ही वहाँ का अथर आ गया कुछ लोगों को लेकर, कहने लगा कि मकान पे बात होगी, यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। मकान पर आया, हमें तीनों को लेकर चले गए, मेरी बहन को और मुझे। फिर वहाँ से हमें उन्होंने दिल्ली भेज दिया कि सारे जाटव आ रहे हैं, आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे, जान से तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ नवेडे में मेरी रिश्तेदारी है। बुलंदशहर में कलयुगी पिता पर बेटियों ने अपने साथ दरिंदगी करने का आरोप लगाया। दरअसल एक कलयुगी पिता जबरन ही काफी दिनों से अपनी ही बेटियों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। आरोपी पिता के करतूत से आहत होकर बेटियों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। औरैया में बीच सड़क पर ऑटो चालक की गुंडई सामने आई, जहां ऑटो चालक एक युवक से गाली गलौज और मारपीट करता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मैं यहां से लिख रहा हूं, घर में 8:30 बजे लिख रहा हूं, 10 बजे उनके पास आया था। किसके पास आए थे? ये अभी तराए पे हम देख रहे थे, तुमको कुछ ऑटो वाले मार रहे थे, क्या प्रकरण है ये पूरा? ये प्रकरण है मेरे गांव से, ये ऑटो गांव से है, बगल में गांव। क्या नाम है इसका? नाम नहीं मालूम है इसका, गांव तो घर परिवार तो मालूम है। हाँ। कहाँ के निवासी हैं जो मार रहे थे तुमको? जो मारने वाले थे ये कठावा रायपुर वाले हैं। वही फिरोजाबाद में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध कारतूसों की तस्करी करने वाले मुख्य सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर 25,000 का इनाम था, जिसके कब्जे से पुलिस ने 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। वही पुलिस बाकी अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। अभी आपको जानकारी होगी कि 700 अवैध कारतूस जो है वो टुंडला रेलवे स्टेशन पे बरामद हुआ था और उसमें 2 लोग जो है अरेस्ट हुए थे। उन्हीं के बाद जो है इससे पूरे इस मामले में जो है इसकी तहकीकात की गई, उसमें पता चल करके आया कि यह एक बहुत बड़े गिरोह जो है वो है, जो कि इसमें जो अवैध कारतूस है उसके मैन्युफैक्चरिंग के अलावे उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसकी खपत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, जो कई लोग इसके गैंग में शामिल थे
उसी में जो इसका अवैध कारतूस का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है और जो इसको बेचता है उसका नाम प्रतीक है, प्रतीक सक्सेना है, ये अमरोहा जिले का रहने वाला है और इसका लाइसेंसी दुकान है। संभल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गैंग गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 75 लाख की कीमत के 12 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी में है। थाना रजपुरा के अंतर्गत पिछले कुछ समय से कई किसानों ने आकर ये शिकायत की थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनका ट्रैक्टर ले जाया गया है और उसके बाद में उस ट्रैक्टर का पता नहीं चल रहा है। इसमें आज ये पूरे गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मतेंद्र नागर, जितेंद्र, ये दोनों थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद, मोहरपाल और मुनेंद्र भूप सिंह, ये बदायूं और कासगंज के निवासी हैं। इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि ये किसानों से उनके ट्रैक्टर किराए पर लेते थे, किराए पर लेने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। हरदोई के सुरसा पुलिस ने अंतर जनपदीय 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों गांजा तस्करों के पास से पुलिस ने 60 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत कई लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये गांजा ओडिशा से तस्करी का नाम लाया जाता था। एसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। विगत दिनों जनपद में और खास तौर से हरदोई शहर में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लोग छोटी छोटी मात्रा में गांजा का विक्रय कर रहे हैं। इस संबंध में पड़ताल की गई और यह मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें जो मुख्य विक्रेता है, जो गांजे की सप्लाई करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। इसी क्रम में आज प्रातः सुरसा थाने में एसओ सुरसा मेरी टीम के साथ सतर्क खड़े थे। कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में गांजा लेकर आने वाले हैं। टीम ने 2 मोटरसाइकिलों पर 3 व्यक्तियों को आते हुए देखा, उन्हें घेर करके पकड़ा तो मालूम पड़ा कि इसमें ये तीनों उन्नाव के रहने वाले हैं, जिसमें से सोनू हसनगंज का और 2 बउआ और सनी, ये माखी थाना के हैं। इनके पास से 60 किलो गांजा बरामद हुआ और जो 2 मोटरसाइकिलें जो प्रयोग कर रहे थे उनके भी कोई कागज नहीं दिखाए गए, जिन्हें सीज किया गया। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर बनाया गया मोटर पुल जर्जर हालत में है। भारी वाहनों के चलने से ये मोटर पुल कांपने लगता है। 2013 की आपदा में भी पुल को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन आज तक पुल को ठीक नहीं किया गया। आए दिन भारी वाहनों के चलते पुल की हालत जर्जर बनी हुई है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लगभग 50 मीटर लंबे इस पुल को 16 से 17 जून 2013 की आपदा में भी काफी क्षति पहुंची थी। पुल पर एक साथ ही एक वाहन चलने के निर्देश है, लेकिन पुल पर एक साथ कई वाहन चलते हैं, जिससे पुलिस की जो स्थिति है वो लगातार जर्जर होती जा रही है। वहीं पुल को ठीक कराने के लिए स्थानीय जनता भी लगातार मांग कर रही है। रेलवे पेंशनर समाज का नवम वार्षिक सम्मेलन संस्था के कार्यालय पर आयोजित हुआ। वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। सम्मेलन में महापौर संजीव वालिया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वे हमारे लिए पूज्य और अनुकरणीय है। आज हमारे रेलवे पेंशनर समाज का नवम वार्षिक सम्मेलन, अतिथि के रूप में हमारे मंडल रेलवे प्रबंधक के प्रतिनिधि के रूप में मंडल सहायक कार्मिक अधिकारी हरीश कुमार जी, भारत पेंशन समाज के प्रतिनिधि के रूप में उनके उपाध्यक्ष पेंशनराज जी, सिटीजन वेलफेयर टी के अध्यक्ष खन्ना जी, हमारे मेयर शिवालिया जी और हमारे रेल हॉस्पिटल के मेड पॉइंट डॉक्टर रेत कुमार अतिथि में आयु। आज हमने 4 वर्ष विधियों पर आप चर्चा की, रेल पेंशनर्स की समस्याएँ हैं उन पर की मामले हल हो गए हैं उन पर। चारधाम यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर शनिवार को प्रशासन और पुलिस की टीम ने नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चमोली बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने व्यापारियों से यात्रा काल में सहयोग करने की बात करते हुए हाईवे पर, सड़क पर और नालियों के ऊपर सामान न लगाने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।